कहेंगे कि आज हिंदू समाज को एक होने की जरूरत है। बांग्लादेश में हमारी बहनों के साथ जो अत्याचार किए जा रहे हैं, उसके लिए हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। कुछ ना कुछ आंदोलन होगा। हम सब महिलाएं, आज तो हम आज 10 महिलाएं थी, अगर ज्यादा कुछ हुआ, शासन ने अगर उसकी खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो हम सारी बहनें मैदान में उतरेगी। जय श्री राम, भारत माता की जय। जय श्री राम, भारत माता की जय कहते हुए महिला वर्ग को, महिला वर्ग भी पीछे नहीं हटेंगे। जो बांग्लादेश में इस तरह महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, जय श्री राम यहाँ बोलते हुए। और मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा जो यहाँ पर अभी यहाँ से निकले हैं आवेदन देकर। आइए सर, क्या कहेंगे, आज आवेदन दिया गया है? आवेदन दिया गया है जो पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के ऊपर, पश्चिम बांग्लादेश में तो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसके विरोध में ये धरना दिया गया है और ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में कहा गया है सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बताते हुए सख्त कार्रवाई की कहते हुए। ये राष्ट्रपति के नाम, प्रधानमंत्री के नाम और सरकार को चेताने के लिए कि इस तरह का व्यवहार बंद कीजिए, हिंदू को जगाने की कोशिश मत कीजिए, हिंदू जागता है तो तूफान आ जाते हैं। जय श्री राम का जयकारा देख लीजिए आप। युवा वर्ग यहाँ पर पैदल आए थे गाड़ी से जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। जा रहे हैं, ये देख लीजिए, भीगते हुए, आज बारिश हो रही थी, क्या कहेंगे? आज गए हुए थे एसडीएम जी को आवेदन देने के लिए। हम तो बस यही निवेदन करेंगे कि हमारे भारतीय बांग्लादेश में सुरक्षित रहे, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी से भी निवेदन है कि वो देश के लिए कुछ करें, जल्द से जल्द कार्रवाई करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा आदरणीय सर का यहाँ वक्तव्य देते हुए। जो हिंदुओं पर बांग्लादेश के अंदर अत्याचार हो रहे हैं, उनको रोका जाए, बांग्लादेश सरकार को चेताया जाए कि इस तरह के अपराध बंद कीजिए, वहाँ भी हमारे समाज के, हमारे धर्म के लोग रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। युवा वर्ग सम्मिलित हुआ था आंदोलन के अंदर। जय श्री राम, जय श्री राम।
सर जाते हुए सर दो शब्द कह जाइए, ऐसा कहेंगे आज आवेदन दिया गया है जी, आज आवेदन दिया गया है। आइए थोड़ा सा आदरणीय सर से वक्तव्य लेने की कोशिश करूंगा। हाँ भैया, आज सकल हिंदू समाज ने आवेदन दिया है बांग्लादेश में जो अपने भाइयों पे अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ भारत सरकार कदम उठाए, उनकी सुरक्षा को पुख्ता करे, बांग्लादेश सरकार से बात करे और ज्यादा दिक्कत आए तो भारतीय सरकार अपनी सेना भेज के अपने ये जो 1.5 करोड़ हिंदू हैं उनको भारत लाने की व्यवस्था करें और जो नरसंहार वहाँ हो रहा है अपनी जनता पे उसको तत्काल रोका जाए। बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, तत्काल रोका जाए ऐसा ज्ञापन किया गया है राष्ट्रपति महोदय के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए कि हिंदुओं के लिए अत्याचार बंद होना चाहिए बांग्लादेश के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए आदरणीय सर जाते हुए पूछने की कोशिश करूँगा, सर जी आवेदन दिया गया है क्या कहेंगे आज? आज जो है बांग्लादेश के खिलाफ आवेदन दिया गया है, बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या की जा रही है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, बहुत बड़ी दशा हो रही है। इतना हिंदुओं पर अत्याचार करने में हमने क्या अपने आप में नहीं देखा हो जाएगा, इतना अत्याचार हिंदुओं को बांग्लादेश में हो गया तो इसी के लिए आवेदन दिया गया है प्रधानमंत्री जी के लिए, राष्ट्रपति जी के लिए। राष्ट्रपति जी देख लीजिए यहाँ हिंदू वर्ग को जाते हुए और इन्हीं के प्रयास से एक वहाँ बांग्लादेश का अत्याचार बंद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका। राजन पुष्पा जी खड़े हुए हैं, सर जी आज आवेदन दिया गया है क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भैया, आवेदन दिया है जहाँ जो देख रहे होंगे जो बांग्लादेश में जो हमारे हिंदुओं को मारपीट की जा रही है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, उनके शोरूम के शोरूम लूट रहे हैं, ऐसा हम करेंगे तो उनको कैसा लगेगा? ऐसा कहते हुए आदरणीय राजन पुष्पा जी बहुत ज्यादा आक्रोश में है हिंदू वर्ग, अगर बांग्लादेश के अंदर ये इस तरह का चित्र बंद नहीं किया गया, हिंदुओं पे अत्याचार बंद नहीं किया तो हिंदू चुप नहीं बैठेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। देख सकते हैं दोस्तों आज एसडीएम कार्यालय में ये सर्व संपूर्ण हिंदू समाज आज आवेदन देने गया हुआ था, कारण है बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के साथ भारी अत्याचार किया जा रहा है उसके उपलक्ष में यहाँ पर सभी हिंदू एक होकर एक आवेदन देने गए थे कि यह अत्याचार बंद होना चाहिए, हिंदुओं को मजबूर मत कीजिए, सरकार को यहाँ चेताया जा रहा है जो हिंदुओं पर बांग्लादेश में अत्याचार होता हुआ उसके लिए यहाँ आवेदन देने गए थे। हजारों की संख्या में यह हिंदू वर्ग एकत्रित होकर ये चेतावनी देते हुए कि कार्रवाई कीजिए सरकार, कार्रवाई कीजिए। आइए मैं आपको यहाँ का ब्लॉग बताने की कोशिश करूंगा, अभी आवेदन दे के आए हैं, कुछ लोगों से वक्तव्य लेने की कोशिश करूंगा। कौन देगा? वो तो जा रहे हैं। जय श्री राम। ये देख लीजिए जय जय श्री राम का जयकारा करते हुए आज संपूर्ण हिंदू समाज एसडीएम कार्यालय गए हुए थे, ये जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है उसके लिए यहाँ सब एक होकर एक आवेदन देने गए थे राष्ट्रपति के नाम, प्रधानमंत्री जी के नाम। ये देख सकते हैं मतलब कह सकते हैं महिला वर्ग भी इस आंदोलन में शामिल हुए हैं, क्या कहेंगे आज आप? हम ये कहेंगे कि आज हिंदू समाज को एक होने की जरूरत है, बांग्लादेश में हमारी बहनों के साथ जो अत्याचार किए जा रहे हैं उसके लिए हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ आंदोलन होगा। हम सब महिलाएं, आज तो हम आज 10 महिलाएं थी, अगर ज्यादा कुछ हुआ शासन ने अगर उसकी खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो हम सारी बहनें मैदान में उतरेगी। जय श्री राम, भारत माता की जय। जय श्री राम, भारत माता की जय कहते हुए महिला वर्ग को, महिला वर्ग भी पीछे नहीं हटेंगे जो बांग्लादेश में इस तरह महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जो व्यवहार हो रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम यहाँ बोलते हुए और मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा जो यहाँ पर अभी अभी यहाँ से निकले हैं आवेदन देकर। आइए सर, क्या कहेंगे आज आवेदन दिया गया है? आवेदन दिया गया है जो पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के ऊपर, पश्चिम बांग्लादेश में तो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में ये धरना दिया गया है और ज्ञापन दिया गया है
ज्ञापन में कहा गया है, सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बताते हुए सख्त कार्रवाई की कहते हुए ये राष्ट्रपति के नाम, प्रधानमंत्री के नाम और सरकार को चेताने के लिए कि इस तरह का व्यवहार बंद कीजिए, हिंदू को जगाने की कोशिश मत कीजिए, हिंदू जागता है तो तूफान आ जाते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, ये जय जय श्री राम का जयकारा देख लीजिए आप। युवा वर्ग यहाँ पर पैदल आए थे गाड़ी जा रहे हैं, पैदल आए थे गाड़ी जा रहे हैं, पैदल आए थे गाड़ी से जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। जा रहे हैं ये देख लीजिए, भीगते हुए आज बारिश हो रही थी, क्या कहेंगे आज गए हुए थे एसडीएम जी को आवेदन देने के लिए? हम तो बस यही निवेदन करेंगे कि हमारे भारतीय बांग्लादेश में सुरक्षित रहें और हमारे प्रधानमंत्री मोदी से भी निवेदन है कि वो देश के लिए कुछ करें, जल्द से जल्द कार्रवाई करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आए हैं और एकता के झंडे में रहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, 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 अच्छा सर जी, चल रहा सर आपका, बिल्कुल बिल्कुल आशीर्वाद है। जय श्री राम, जय श्री राम, जो आदमियों का अत्याचार नहीं सहेंगे, वो भी मुसलमान बहुत Thank you।
वीडियो को, इंस्टा पे देखते हैं। चलिए धन्यवाद आपका। किस नाम से? कृष्णा कुशवाहा के नाम से। चलिए फॉलो कर लीजिएगा इनको। थैंक यू। अच्छा अच्छा अच्छा, आप दूसरा नंबर ले लीजिएगा मेरा, ठीक है। क्या क्या काम हुआ है वो पटल वाला है ना? हाँ, आप दूसरा नंबर ले लीजिएगा, मैं आऊंगा तो आपको, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार निर्देशित प्रदान करें तथा बांग्लादेश में इस प्रकार के तत्वों को संरक्षण देने वाले आंतरिक और विदेशी तत्वों पर भी कठोर से प्रभावित कार्रवाई हो, ऐसे केंद्र सरकार से समुचित करने का आग्रह करें। समस्त हिंदू समाज जिला गुना, जय जय सियाराम, जय श्री राम, जय श्री राम। माता की जय, जय हिंद, जय भारत। ये संदेश राष्ट्रपति श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, निर्देशित करें कि न केवल बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसको रोकने की दिशा में आवश्यक कदम उठाएं, बल्कि जो भारत के भीतर बैठ करके चक्रव्यूह रच रहे हैं, चक्रव्यूह की बात हो रही है, बार बार दिल्ली को घेरा जाता है ताकि बांग्लादेश जैसा कोई देश यहां भी बन जाए, घुसपैठ ये संसद में घुस जाए, प्रधानमंत्री आवास में घुस जाए, राष्ट्रपति भवन में घुस जाए, ऐसी और गद्दारी कर रही है, देशद्रोह कर रही है। अभी दो नेताओं के भाषण हमने सुने थे, जो ये उकसा रहे थे या बता रहे थे कि जो बांग्लादेश में हुआ है वो भारत में भी हो सकता है, ऐसे तत्वों पर भी राष्ट्रद्रोह की कार्रवाई की जाए और साथ में चिमटे से पकड़ कर देशद्रोहियों को सलाखों में भेजा जाए, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। ज्ञापन का वाचन करेंगे हमारे रजक समाज के श्री दीपक कुमार रजक, मेरे मित्र। सर्व समाज की तरफ से, समस्त हिंदू समाज की ओर से सेवा में महामारी राष्ट्रपति महोदय, भारत संघ नई दिल्ली द्वारा जिलाधीश महोदय, विषय बांग्लादेशों में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के संबंध में ज्ञापन। महामारी राष्ट्रपति महोदय, बांग्लादेश में छात्रों के आंदोलन के दौरान सुसज्जित तरीके से हिंसा फैलाई जा रही है और इसमें हिंदुओं को निशाना बनाकर मंदिरों को नष्ट किया जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है और उनके घरों को रक्षा के लिए प्रभावी कार्रवाई करें। हिंदू समाज इस प्रकार की गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण पाने के लिए निर्णायक और कठोर रही है। हिंदू माता बहनों को सील भंग कर दिया जा रहा है, उनका उदाहरण कर उनकी हत्या भी की जा रही है। इन घटनाओं में संपूर्ण हिंदू समाज व्यथित है। समस्त हिंदू समाज बांग्लादेशों में देश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध करता है। बांग्लादेश में हिंदुओं के घर, मकान, दुकान, ऑफिस, व्यावसायिक प्रतिष्ठान व महिला बच्चे, उनकी आस्था व विश्वास के केंद्र मंदिर सुरक्षित नहीं है। निरंतर अंतराल पर होने वाले ऐसे दंगे व जिहादी उत्पीड़न का परिणाम है। बांग्लादेश में हिंदू जनसंख्या विभाजन के समय 28% थी, अब घटकर मात्र 8% भी कम रह गई है। थैंक यू। धन्यवाद, शुक्रिया आपका। थैंक यू, थैंक यू।
तो देख सकते हैं दोस्तों, आज गुना में बारिश होती हुई और आज हिंदू संगठन के द्वारा यहाँ एक आवेदन देने के लिए जा रहे हैं, जो बांग्लादेश के में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। और आज आपको सुंदर वीडियो दूंगा अपने चैनल पर, और आज छाता में वीडियो बनाता हुआ मैं, देख लीजिए पानी आता हुआ। हाँ, अरे अभी आ रहा हूँ, एक कार्यक्रम को अटेंड करके ठीक है। फिर सरकार को अपदस्थ करते करते तुमने हिंदुओं को निशाना बनाना क्यों शुरू किया? केवल इसलिए कि वो हिंदू है? इसलिए कि वो हिंदू क्यों है, मुसलमान क्यों नहीं है? उनकी बहु बेटियों की इज्जत के साथ इसलिए खिलवाड़ हुई क्योंकि वो हिंदुओं की बहु बेटियां हैं? उनको लूटा गया, पीटा गया, जमीन जायदाद से बेदखल करके उन्हें भगा दिया गया, तो ये हिंदुओं की कराह जब एक साथ चीत्कार कर उठेगी तो यकीन मान लीजिए। हस्ताक्षर हो रहे हैं तो एक एक करके ज्ञापन पर अपने हस्ताक्षर कर दें, विधिवत हम यहां से। जो हुआ किसी से छुपा नहीं है, रात झगड़ा तो तुम्हें सरकार हो रे ना होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, बंगला देश मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
बांग्लादेशी होश में आओ। यहाँ उपस्थित सभी हिंदुओं से मेरा विनम्र आग्रह है कि